गारमेंट बनाने वाले तो सर बहुत मिलेंगे, लेकिन गारमेंट समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। क्या बात, हम गारमेंट समझने वाले, आपको क्यों लेना है, मेरे से ही क्यों लेना है, आप दूसरों से भी ले सकते हैं, मेरे से ही क्यों लेना है। मैं आपको बताता हूँ मुनीर भैया, कैमरा नजदीक लाइए, जैसे ये आप देख ही रहे कॉर्ड्रो है, ये कॉर्ड्रो सर वाटर इफेक्ट वाला कॉर्ड्रो है, वाटर इफेक्ट, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। पहली बार आपके वीडियो में एक प्रोडक्शन मैनेजर सेल्समैन की जगह पे आपको सैंपल्स बताएगा, मतलब मेरे लिए भी कुछ नया है कि ज्यादातर वीडियोस में सेलर्स या सेल्समैन वीडियो में सैंपल्स दिखाते हैं, बट फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्शन का बंदा अगर वो बताएंगे तो डिटेलिंग ज्यादा मिलेगी। सर हम लोग की रेंज है 350 रुपीज प्लस, 350 से हमारी रेंज शुरू होती है। अपने जो बीच में बहुत ज्यादा चल रहा था कैविलेट व्हील लाइक्रा, ओके, ये मेरे को हैबिट कुछ अलग से दिख गया है, ठीक है। स्ट्राइप्स, ये कलर चार्ट है सर, और स्ट्राइप्स है सर मेरे पास लिनन पे स्ट्राइप्स, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स होती है, फैब्रिक बनता है रीड और पीक से, ओके। 172/210 रीड पीक है इसकी सर, ओके। उसकी वजह से क्या है, फैब्रिक थोड़ा सा फाइन होता है और फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, और फैब्रिक लास्टिंग जो होती है ना, एक फैब्रिक होता है सर दो बार धोने में खत्म हो जाता है, ये आप 10 बार भी धो कुछ नहीं होगा सर। ये है मोक्लिनो, ओके, मोक्लिनो पे प्रिंटेड चेक्स है सर, ठीक है। पॉकेट का कॉन्सेप्ट देखिए मुनीर भाई, एकदम एंटिक चीज है, ओके। ये देखिए दोनों के अलग अलग पॉकेट्स हैं, मैं बोलूं तो वेंटिलेशन हमने दिया हुआ है, अच्छा। ये रहा फैब्रिक के अंदर वेंटिलेशन, ओके। लेजर एनग्रेविंग से होता क्या है मुनीर भाई, जैसे जो फैब्रिक रहता है ना, जहां जहां वो लेजर पड़ते हैं ना, वहां वहां से हल्का हल्का फैब्रिक जल जाता है, उसकी डेंसिटी हीट और हीट की डेंसिटी एडजस्ट करके वहां वहां से वो चीज फैब्रिक जल जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ओके। ये देखिए यहाँ पर आइए, कैमरा नजदीक लेंगे, ओके। ऐसे ये हो गया, ठीक है, आपको पता चलेगा भाई हीट से हल्का हल्का फैब्रिक जल चुका है। इंपोर्टेड टेयरिंग भी बोलते हैं, ओके। इंपोर्टेड डैमेज आइटम भी बोलते हैं, ओके। और इसमें मेरे पास सर दो डिजाइन है, तीन तीन कलर की, ठीक है, ये ही स्पेशल बोल सकते हैं, स्पेशल है सर, वेंटिलेशन वाला प्रोडक्ट है, ओके। बटन्स है लगभग 8 mm के बटन्स है, पूरे अहमदाबाद में आपको कहीं मिलेंगे नहीं सर, अहमदाबाद में बटन्स नहीं मिलेंगे सर, ये बटन्स जैसे कि हमारा ऐसा है वो बाकी सबका एल रहेगा, एल रहेगा, एम भी नहीं एल रहेगा, एम भी नहीं एल रहेगा, ठीक है। तो फर्मा क्या रहता है चेस्ट? फर्मा सर मेरा 38 हम लोग लिखते हैं, बट वो आता 40 है, एस में, एस में पूरा सर्कुलर 40 आता है वो, और वो परफेक्ट है। गाइस आज का वीडियो आ रहा है अहमदाबाद के खोखरा मार्केट से, फर्स्ट टाइम ये मार्केट को कवर कर रहे, आज हमने विजिट किया हैबिट क्लोथिंग में, सर आपका वेलकम करते अपने चैनल पर। मुनीर भाई वेलकम टू हैबिट क्लोथिंग, और आपके साथ आपके व्यूवर्स का भी स्वागत है हैबिट क्लोथिंग में, ओके। जो अपने नए व्यूवर्स है, जो आपको पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनको आपके बारे में और आपके फर्म के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ना। सर हमारा नाम है हैबिट क्लोथिंग, और हम लोग हैबिट नाम के लेबल से ही काम करते हैं, और मैं हैबिट का प्रोडक्शन मैनेजर सूरज परमार हूँ, और मैं आपको आज सैंपल दिखाऊंगा, पहली बार आपके वीडियो में एक प्रोडक्शन मैनेजर सेल्समैन की जगह पे आपको सैंपल्स बताएगा, मतलब मेरे लिए भी कुछ नया है कि ज्यादातर वीडियोस में सेलर्स या सेल्समैन वीडियो में सैंपल्स दिखाते हैं, बट फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्शन का बंदा अगर वो बताएंगे तो डिटेलिंग ज्यादा मिलेगी। यस सर, तो सर जैसे कि मैंने आपको बताया मैं यहाँ का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, रीजन फॉर मेरे लिए यहाँ होने का मैं बताता हूँ आपको सर, हम लोग क्वालिटी में ज्यादा फोकस करते हैं, डिटेल्स पे फोकस करते हैं, और जो हमारा बायर है जो हमसे माल खरीदे उसको एग्जैक्ट फैब्रिक की डिटेल स्ट्रक्चर और उसके गारमेंट जो उससे हमसे लेके जा रहा है, हाँ। उसका पूरा स्ट्रक्चर और फर्मा उसको पता चले, मतलब इन शॉर्ट ऐसा समझते कि ये वीडियो में गारमेंट मेकिंग डिटेलिंग कैसे होती है वो समझ में आएगा। यस सर, ओके। अपना लोकेशन एक बार समझाइए हैबिट का। सर लोकेशन ऐसा है, ये समेत बिजनेस पार्क है, खोखरा सर्कल पे सिचुएटेड है, परिष्कार के पीछे, U7 हमारा नंबर है। आप जैसे ही अंदर घुसोगे सर आपको हमारा पोस्टर मिल जाएगा, हैबिट का पोस्टर लगा हुआ है, ओके। और उससे आपको पता चल जाएगा भाई हैबिट की दुकान यही है, ओके। अपना क्या रेंज रहता है, क्या क्वालिटी प्रोडक्ट रहता है, अभी क्या सेटअप है बिजनेस का? सर हम लोग की रेंज है 350 रुपीज प्लस, 350 से हमारी रेंज शुरू होती है, और उसके बाद में सर मेजर हम लोग इम्पोर्टेड आइटम्स में ज्यादा डील करते हैं, ठीक है। कॉटन प्रोडक्ट्स जो इंडिया के होते हैं उसमें सबसे ज्यादा भी डील, उसमें भी सबसे अच्छा डील करते हैं, और एक मेजर सर फोकस एक्चुअली देखा जाए तो इम्पोर्टेड पे सबसे ज्यादा है करंटली, बिकॉज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वही है, ओके। इन शॉर्ट वीडियो का इंट्रो कंक्लूड करें तो ऐसा समझ सकते हैं कि क्वालिटीज इम्पोर्टेड रहती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी ऐसा कंपेयर कर सकते हैं, ब्रांड टेस्ट रहता है अपना, और ये वीडियो में ज्यादा डिटेलिंग समझ में आएगी। सर डिटेल्स तो आपको समझ में आएगी आएगी, वो तो सर हर कोई बता ही रहा है, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताने इसलिए ये बताने यहाँ आया हूँ सर कि ये जो प्रोडक्ट है ये जो आप मेरे से लेंगे ये आपको क्यों लेना है, मेरे से ही क्यों लेना है, okay. आप दूसरों से भी ले सकते हैं, मेरे से ही क्यों लेना है, okay. मैं आपको बताता हूँ मुनीर भैया, कैमरा नजदीक लाइए, जैसे ये आप देख ही रहे कॉर्ड्रो है, ये कॉर्ड्रो सर वाटर इफेक्ट वाला कॉर्ड्रो है, वाटर इफेक्ट, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं सर, ओके। एक ही कपड़ा दो कलर में पहनो सर,
एक साइड हाथ घुमाओ लाइट कलर, एक साइड हाथ घुमाओ डार्क कलर। ओके okay. इसमें सर मेरे पास लगभग 6 से 7 कलर है, मैं सारे कलर्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेड कॉर्डरो, इम्पोर्टेड कॉर्डरो डबल पॉकेट, और सर बहुत सारे डिटेल्स है इसमें। जैसे मैं आपको बता दूं सर, लुक फ्लैप तो हर कोई बनाता है, हाँ। लेकिन सर हम फ्लैप में भी फिजिंग डालते हैं। फ्लैप में फिजिंग रहेगा, फ्लैप में फिजिंग रहेगा सर। बैठक देखिए फ्लैप की एकदम परफेक्ट, कॉर्डरो में कोई फ्लैप बिठा नहीं सकता सर, वो हम बिठा के देंगे आपको। ओके okay, तो इसमें कितने कलर्स हैं? इसके कलर चार्ट में आपको बता रहा हूँ मुनीर भाई। जैसे ये इसके सारे के सारे कलर्स हैं, ठीक है। ये सर रमजान स्पेशल है। ओके okay. रमजान में सबसे ज्यादा यही कलर चलने वाले हैं अभी। एग्जैक्टली exactly, तो इसमें अपने साइजेस क्या बनाते हैं? इसमें सर जी साइजेस रहेगी मेरी SML XL। ओके okay. चार पीस का सेट रहता है? चार पीस का सेट रहेगा सर। ओके okay. 6 कलर प्लस रहेंगे इसमें, ठीक है। ये सारे इसके कलर्स हैं सर। ओके okay. अपने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप साइजिंग में काफी फोकस करते हैं, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर मैं बताता हूँ, देखिए एक्चुअली होता क्या था सर, घी काटा या फिर दूसरा पूरा इंडिया का मार्केट, वो लोग क्या साइजिंग में हमेशा कहीं ना कहीं कट निकालते सर। हमारी कॉस्टिंग इतनी ऊंची होने का कारण ये है सर कि जो हमारा एस है वो बाकी सबका 2 साइज प्लस है। मतलब अगर आपका एस है तो वो कंपैरिजन में क्या साइज होगी दूसरों का? जैसे कि हमारा एस है वो बाकी सबका एल रहेगा। एल रहेगा, एम भी नहीं एल रहेगा? एम भी नहीं एल रहेगा सर। ठीक है, तो फर्मा क्या रहता है चेस्ट? फर्मा सर मेरा 38 हम लोग लिखते हैं, बट वो आता 40 है। एस में? एस में पूरा सर्कुलर 40 आता है वो, और वो परफेक्ट है। ओके बाकी सबका वो 38 रहता है एस, बट वो एक्चुअली निकलता है 36। ओके मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि एस साइज जो रहेगी वो आपकी 38 आप लिखते हो, बट वो 39 प्लस ही होगी होगा सर, वो 2 इंच प्लस ही रखेगा, वो कंफर्ट रहेगा पहनने में, कंफर्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ का एस साइज का शर्ट जो मैंने पहना हुआ है, ओके एकदम कंफर्टेबल है सर। ओके नया आर्टिकल है, अभी आया है, जस्ट सुबह सिंकेट सैंपल आया, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। ओके लेकिन मैंने पहना हुआ, ठीक है। ये समझ लीजिए कि साइजिंग में अपने ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, ब्रांड्स ही है। यस सर। ओके नेक्स्ट अपने पास क्या आर्टिकल? सर एक और कॉर्डरो है मेरे पास, जैकॉर्ड में कॉर्डरो, ये भी सर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। जैकॉर्ड में कॉर्डरो ये एक उसका कलर है, ये मेन कलर जो हमको, ये थोड़ा नजदीक से अंदर ये पैटर्न दिख रहा है, बताता हूँ मैं पैटर्न बताता हूँ सर। ये इसमें ट्राइंगल्स बनाए गए हैं okay. जो कि लेजर एनग्रेविंग से, लेजर से बनते हैं पूरे सर, लेजर से ये लेजर से सारे के सारे ये पैटर्न बनता है पूरा। ओके okay. इसके 3 कलर्स है सर। मेरे को ये डिजाइन काफी अच्छी लगी पॉकेट की, बहुत इसके, अच्छा। इसके इससे बढ़िया डिजाइन एक और है सर मेरे पास, जिसमें आपको थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा सर। एक्चुअली कॉर्डरो में एम्ब्रॉयडरी करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन ये हमने फिर भी किया है और एकदम परफेक्ट रिजल्ट आया हमारे। इसमें भी 3 कलर है सर। नेवर गिव अप लिखा है ना? नेवर गिव अप सर, हमारे जो मेन बॉस है उनका यही मोटो है, नेवर गिव अप। ओके मतलब ये अपने तक कॉर्डरो की वैरायटीज है ये। इसके अलावा एक और कॉर्डरो की वैरायटी है सर मेरे पास, वो भी सेम इम्पोर्टेड आइटम है पूरा। ओके वो भी जैकॉर्ड में है सर। ये है दूसरा वाला कॉर्डरो, ठीक है। ये नजदीक से इसका थोड़ा डिजाइनिंग समझा दीजिए एक बार, ये फील क्या रहता है, क्या बोलते हैं इसको? ये सर आप तो बेसिक लैंग्वेज में सर इसको वेलवेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेलवेट जैसा फील रहता है। हाँ, वेलवेट जैसा सॉफ्टनेस लगा। उसके बाद में कैसा है सर, बात डिटेलिंग की करूंगा, फैब्रिक की बात करता हूँ सर। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है पूरा। ओके जैकॉर्ड फील है इसका। ओके सेम टू सेम सर जो मैंने फर्स्ट आइटम आपको बताया था आर्टिकल वाटर इफेक्ट वाला, ये भी वाटर इफेक्ट है पूरा। ओके ये देखिए यहाँ पर लगे मुनीर भाई कैमरा, ये देखिए सर पूरा का पूरा वाटर इफेक्ट वाला कॉर्डरो है, ठीक है। और डार्क एंड लाइट थोड़ा शेड, डार्क एंड लाइट शेड रहेगा सर, ठीक है। टच बटन लगे हुए पूरे, इसमें भी लगभग 6 कलर का चार्ट है। ज्यादातर टच बटन्स रहते हैं अपने पीस में? नहीं सर, वो सब फैब्रिक देख के डिसाइड किया जाता है सर। ओके मोस्टली कैसा होता है सर, देखिए लोग प्रोडक्शन करते टाइम कर देते हैं कि भाई क्या है पीस खड़ा करना है, आप पीस खड़ा कर दो और उसमें कोई भी बटन लगा लो। लेकिन सर हमारे यहाँ हर चीज डिटेलिंग के साथ काम होता है पूरा, ठीक है। इसका कलर चार्ट भी अच्छा है, ये इसका कलर चार्ट है सर, पूरा का पूरा मुनीर भाई ईद के हिसाब से बना हुआ कलर चार्ट है, ईद के लिए ही बनाया गया चार्ट है, ठीक है। कॉर्डरोइज में अपने पास ये समझो ना, कॉर्डरोइज में चार वैरायटी बता दिया आपने, कॉर्डरोइज में मेरे पास चार वैरायटी है। मैं एक और चीज बताता हूँ, चूंकि कॉर्डरो कहलाया जाता है बट थोड़ा बहुत कॉर्डरो उसके अंदर रहता है। ओके जैसे ये है हमारा कॉर्ड लाइक्रा चेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है सर, ठीक है। ये इसके 2 कलर्स है सर। इसमें बॉक्स पॉकेट का डिजाइन, बॉक्स पॉकेट का डिजाइन है सर, ट्रेंडिंग अभी आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है सर, बॉक्स पॉकेट विद गार्जियन बटन। ओके इसमें एक मिनिमम कितना माल लेना पड़ता है आपसे? मिनिमम आपको 72 पीसेस हमारे से लेने पड़ेंगे। ओके सेट वाइज 72 पीसेस आपको हमारे से लेने पड़ेंगे। ओके अब इसके बाद में सर एक बहुत बढ़िया शादी में भी चलने वाली चीज और नॉर्मली भी पहनने वाली चीज मैं आपको बता देता हूँ सर, साटिन है हमारा। ओके जिसमें हमारे पास 12 कलर सर। मुनीर भाई एक चीज इसमें नोटिस कीजिएगा, इसके बटन्स एग्जैक्टली कुछ डिफरेंट है ना ये सर, ये बटन्स है लगभग 8 mm के बटन्स है, पूरे अहमदाबाद में आपको कहीं मिलेंगे नहीं सर। अहमदाबाद में बटन्स नहीं मिलेंगे सर, ये बटन्स
ये मेरी गारंटी आपसे। इतना आप दावा करते हो कि बटन से नहीं रहेगा, नहीं मिलेंगे आपको सर ये बटन। इतनी मेरी गारंटी आपसे है। ये इसके कलर चार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, साइज कलर का चार्ट है सर, 12 कलर है इसमें, 12 कलर का चार्ट है पूरा। ठीक है, इन जनरल आपने बताया कि साइजेस आपके पास SML XL है। SML XL है सर। ठीक है, और हम लोग सर 2, 3, 4 XL, 5 XL में भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं सर, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुनीर भाई प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो तक आपको 2, 3, 4, 5 XL भी मिल जाएगा हमारे पास। ओके, ये इसका कलर चार्ट है सर पूरा, वेरी नाइस। ये इसमें डिटेलिंग है सर हमारे ब्रांड की पूरी। ओके, तो इन सब में अपने गारंटी देते हैं पीस की सर, पीस आपको टॉप ग्रेड मिलेगा, पीस में आपको कहीं पे शिकायत नहीं आएगी। ओके, वेरी नाइस, काफी अच्छा पीस लग रहा है। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी सर। ये जो आजकल जो चल रहा है सर चपट कॉलर, वो वाला है। ओके, वी कॉलर भी बोलते हैं देसी भाषा में, चपट कॉलर भी बोलते हैं। ओके, ये आप मतलब जो जिस भाषा में समझे मैं उस भाषा में उसको समझा सकता हूँ। ओके, मतलब ये जो भी फैंसी कॉलर चल रहे थोड़े से, तो वो चीज अपने पास है। नेक्स्ट क्या अपने पास? नेक्स्ट सर ये एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है सर, इम्पोर्टेड टेरिंग भी बोलते हैं, इम्पोर्टेड डैमेज आइटम भी बोलते हैं। ओके, और इसमें मेरे पास सर दो डिजाइन है, तीन तीन कलर की। ठीक है, यही स्पेशल बोल सकते हैं, स्पेशल है सर, वेंटिलेशन वाला प्रोडक्ट है। ओके, ये देखिए टच बटन इसमें भी हमने लगा के रखे, वेंटिलेशन वाला प्रोडक्ट है पूरा सर। काफी अच्छा लग रहा है ये वाला पीस। ये इसके तीन कलर है मुनीर भाई। ओके, टच बटन का पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें एक और डिजाइन है मेरे पास जिसमें हमने थोड़ा सा कुछ अलग रिस्की प्रोडक्ट का काम किया हमने। नहीं, काफी अच्छा दिख रहा है ये वाला पीस। जैसे ये है इसमें एक और चीज मुनीर भाई, कैमरा नजदीक ले। हाँ, ये सर व्हाइट नहीं है, तो एक और ऑफ व्हाइट है। ये ऑफ व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट मार्केट में बहुत रेयर लोग बनाते हैं सर। ओके, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मिसमैच पॉकेट का कॉन्सेप्ट दिया है ना, मिसमैच पॉकेट का कॉन्सेप्ट है सर। ओके, काफी अच्छा पीस दिख रहा है, डबल पॉकेट स्टाइल दिया है, किसी में मिसमैच पॉकेट दिया है, किसी में प्लेन निकाला है, मतलब एक सिंगल वैरायटी, एक सिंगल फैब्रिक में वैरायटीज है। कॉर्डराइज है तो कॉर्डराइज में चार वैरायटी, ये है तो उसमें चार वैरायटी, मतलब एक कोई भी 50 पीस 100 पीस लेने आएगा तो मतलब मेरे को लगता है 200 पीस 300 पीस लेके जाएगा, ज्यादा ही लेके जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसी के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ कि भाई जो बंदा आए, जो मेरे पास आए सैंपल देखे। हाँ, उसको मैं एक्सप्लेन हर चीज उसको इतनी डिटेल में बता सकूं कि वो लेने आए 60-70 पीस। हाँ, लेके जाए 200 पीस। ओके, अब सर एक और चीज मैं बताता हूँ जो कि करंटली बहुत ट्रेंडिंग में, ये भी ईद स्पेशल है सर। ओके, ये भी ईद स्पेशल है, ये है पॉली लाइक्रा में। ठीक है, सेल्फ लाइनिंग। ओके, इसमें भी मेरे पास 6 कलर है सर। ये मैरिज सीजन में भी अच्छा चलता है ना ये चीज भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप टक्सीडो के अंदर इसको पहन सकते हैं, टक्सीडो की जो रिप्स की हुई होती है। हाँ, वो सर हमने डिजाइन में ही दे दिए डायरेक्ट। ओके, टेलर के पास जाने की जरूरत नहीं। ओके, ये है इसके सिमिलर टू टक्सीडो वाली चीज है ये सर। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, ये इसके कलर चार्ट है पूरे सर। ओके, काफी कलेक्शन है, कलर चार्ट भी काफी अच्छा है, वैरायटीज भी काफी अच्छी लग रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये माल ज्यादातर अपना बिकता किधर है सर? मोस्टली हम लोग कवर तो साउथ करते हैं। ओके, बट हमारा नॉर्थ में भी उतना का उतना फोकस है। ओके, और धीरे धीरे सर नॉर्थ में जाना ही है हमको, नॉर्थ तो करना ही पड़ेगा। ओके, मतलब नॉर्थ भी अपने पास है, साउथ भी अपने करते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, अपने पास नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या रहता है? नेक्स्ट प्रोडक्ट है सर मेरे पास चेक्स, समर के लिए चेक्स। ओके, क्या फैब्रिक है ये सर? ये है ऑक्सफोर्ड यार्न डाइड चेक्स भी है। ओके, जूट यार्न डाइड चेक्स भी है। ठीक है, ये पूरा जूट यार्न डाइड चेक्स है सर। ओके, इसमें भी मिसमैच पॉकेट का कॉन्सेप्ट, इसमें भी मिसमैच पॉकेट का पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया हमने। ओके, और एक और चीज मुनीर भाई, जरा कैमरा थोड़ा और नजदीक लाइए। हाँ, ये देखिए सर, हाई डेंसिटी लेबल जो आजकल बहुत चल रहा है, हीट से जो लगता है। ओके, वो भी हम हमारी ब्रांडिंग से बनवा के लगवाते हैं पूरा सर। ओके, वेरी नाइस। जैसे कि आपने बोला कि आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, तो मेरा ये पर्सनल मेरा सवाल है व्यूअर्स का, नहीं यस सर, कि आपने ये कुछ बोल दिया ना कि इतने इंच में इतने टाके आने चाहिए, इतना वो फोकस होना चाहिए, ये धागा होना चाहिए, ये ब्रांड का धागा होना चाहिए, वो किसाब क्या होता है? मैं बताता हूँ सर, एक्चुअली कैसा होता है, लोकल में जो लोग काम करते हैं उनके प्रोडक्शन कॉस्टिंग बहुत ज्यादा कम होती है, और वो कैसा होता है सर कि भाई 1 इंच में 8 टाके 9 टाके, हमारा सिस्टम है सर, हम लोग 1 इंच में 12.5 टाके ही लेते हैं। ओके, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हाँ, मेजर ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं। हाँ, 1 इंच में 12.5 टाके हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर इसके पहले हम लोग थे FOB में। ओके, 12 साल से सर हम लोग FOB का काम कर रहे हैं,
ये अभी पिछले साल दिवाली के बाद में हम लोग हमारा खुद का ब्रांड बना के खुद वो जो एक्सपीरियंस हमने 12 सालों में इकट्ठा किया है वो हम हमारी ब्रांड में डाल रहे हैं। ओके इसीलिए सर आप देखेंगे अगर आपने नोटिस किया हुआ तो लेबल्स भी आपको अलग अलग तरीके के लेबल्स मिलेंगे। तो ये टाको से मतलब मेजर फर्क क्या पड़ता है? सर इससे फर्क ये पड़ता है कि पीस का जो लुक ओवरऑल लुक होता है ना वो एनहेंस हो जाता है। ओके और जैसे अभी जैसे मैंने आपको बोला सुबह मेरे पास आया आप ये पीस देख लीजिए जिसमें हमने एक एक चीज में डिटेल में काम किया। सर ये बटन है, बटन हमने लगाया तो रेगुलर है लेकिन बटन में एक ऐसा धागा यूज किया है जो पूरे पीस में सबसे ज्यादा काम है वो बटन हाईलाइट हो रहा है। okay. जैसे ये स्काई ब्लू है तो स्काई ब्लू का हम लोग ने धागा यूज किया बटन लगाने के लिए। okay. बाकी सर कैसा होता है बटन से लोग मैचिंग करके धागा लगा लेते हैं हम लोग वो नहीं करते। जैसे मैं नेक्स्ट पीस आपको बताता हूँ। okay. ये देखिए सर हमारे कॉटन प्रिंट का कॉन्सेप्ट है सर ये भी मैरिज कलेक्शन है। okay. अब इसमें देखिए मुनीर भाई बटन तो रेगुलर है लेकिन पीस का कलर स्काई ब्लू है तो बटन स्काई ब्लू धागे से ही लगेगा। okay, पीस थोड़ा लुक अच्छा हो जाता है। पीस का लुक अच्छा हो जाएगा, बटन हाईलाइट हो जाएगा। okay. आईडीज वगैरह का कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज करते हैं पूरा। okay. और ये सोबर टेस्ट है ना थोड़ा? ये पूरा सोबर टेस्ट है सर। ये फैब्रिक क्या रहता है? ये सर पूरा है ऑक्सफोर्ड पे प्रिंट है पूरा। ओके और हैवी फैब्रिक है सर पूरा का पूरा फैब्रिक सारा आपको हैवी मिलेगा मेरे पास। ओके समझो अगर अपने पीस में कोई डैमेज डिफेक्ट आता है पीस में डैमेज डिफेक्ट आएगा सर रिप्लेस करके मिलेगा पूरा पीस आपको पीस टू पीस रिप्लेस पीस टू पीस आपको रिप्लेस करके मिलेगा पूरा। ओके वेरी नाइस। ये दो कलर के डिजाइंस ये सर एक और नया आइटम है मार्केट में है तो बहुत लेकिन हमने इसको वापस से लेके आया सर। क्या फैब्रिक है ये सर? ऑक्सफोर्ड पे कॉर्ड्रो की रिप्स है। ऑक्सफोर्ड पे कॉर्ड्रो की रिप्स है ये देखिए इसको लोग डॉबी भी बोलते हैं सर। ऐसा नहीं है हर किसी का अलग अलग नाम है। हाँ वो नाम तो अलग अलग रख ही देते हैं। अपना अपने नाम से चलाता है बट सर एक्चुअल फैब्रिक की कॉन्फ़िगरेशन ये है ऑक्सफोर्ड पे कॉर्ड्रो की रिब्स। ओके आपको फैब्रिक का भी अच्छा नॉलेज है आप खुद प्रोडक्शन देखते हो मतलब आपको तो सब कुछ आइडिया रहेगा हर एक चीज का। सर वो देखिए 12 साल से एक्सपीरियंस वो फैब्रिक हाथ में आए तब आपको पता चल जाता है क्या चीज है ये। ये सर एक और क्या फैब्रिक हमारा कॉन्सेप्ट है पॉली लाइक्रा पे प्रिंट्स। ओके डिजिटल प्रिंट है सर ये पूरा। ठीक है और इसमें मेरे पास 5 डिजाइन है 2 कलर्स ईच। ये फॉरवर्ड है सर मैं फॉरवर्ड आइटम आपको बता रहा हूँ। ठीक है बिकॉज क्या है सर हमारे तो रोज माल आता है रोज बिकता है। ओके रोज हम खाली करते हैं रोज हम नया भरते हैं। ये बहुत अच्छा पीस है वाला बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये इसके डिजाइन है सर। ठीक है समझो किसी को ठीक है किसी को तो समझो हैबिट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए किसी को होलसेलर बनना है किसी को खुद के लेबल से नंबर दिया गया है सब कुछ आप मेरे से बात करके सब कुछ आपको मिल सकता मेरे को मेरे लेबल से माल चाहिए तो वो भी आप वो भी सर एफओबी भी चाहिए तो वो भी हम कर लेंगे उसमें okay. भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अभी ये साइड क्या प्रोडक्ट्स है? ये साइड सर एक अलग चीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ये लीजिए सर ये है वेडिंग कलेक्शन पूरा। ओके वेडिंग और ईद कलेक्शन सर अभी क्योंकि साइमल्टेनियसली सब कुछ चलने वाला है एग्जैक्टली सब कुछ है ईद के साथ वेडिंग भी है। ओके ये क्या आर्टिकल है? ये है सर ब्रासो पे लेजर एनग्रेविंग पूरी। ये थोड़ा वर्ड को आप ही समझाओ कि ये चीज क्या बोलते हैं। ब्रासो एक फैब्रिक है और उसके ऊपर लेजर एनग्रेविंग होती है। लेजर एनग्रेविंग से होता क्या है मुनीर भाई जैसे जो फैब्रिक रहता है ना जहां जहां वो लेजर पड़ते हैं वहां वहां से हल्का हल्का फैब्रिक जल जाता है उसकी डेंसिटी हीट और हीट की डेंसिटी एडजस्ट करके वहां वहां से वो चीज फैब्रिक जल जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ। ओके ये देखिए यहाँ पर आइए कैमरा नजदीक लेके। ओके ऐसे ये हो गया ये भी आपको पता चलेगा हीट से हल्का हल्का फैब्रिक जल चुका है। ओके वो डिजाइन टाइप बनता है। यस सर ये इसका कलर चार्ट है 4 कलर का। तो इसमें कितनी वैरायटी है ब्रासो में? ब्रासो में सर मेरे पास एक इसमें एक और चीज है सर डिजिटल प्रिंट भी है मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये रही सर ओके ब्रासो में डिजिटल प्रिंट। ये सर आपको साथ साथ में मेरा पैकिंग भी बता रहा हूँ सिंगल पीस का पैकिंग आएगा इस टाइप का कुछ पैकिंग सब पीस ऐसे ही रहते हैं अपने सिंगल पीस। सर देखिए कैसा है कि मुनीर भाई हमको ट्रेंड के हिसाब से चलना है जमाने के हिसाब से हमको भी चलना है। कॉलर आपको कुछ चपट कॉलर जो वी कॉलर है वो भी मिलेंगे। कुछ आपको ये वाले इस टाइप के कॉलर भी मिलेंगे कुछ आपको चाइना कॉलर भी मिलेंगे। और हमने एक नया भी एक और चीज बनाई है सर प्लेन में मैं आपको बाद में बताऊंगा वो। ओके एक प्लेन में सर कुर्ता बनाया है लिनन बेस पे। ओके पहले ब्रासो पे कंटिन्यू पहले ब्रासो पे कंटिन्यू करते हैं सर जो चीज फोकस है उसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं। ओके ये देखिए सर मुनीर भाई ये एक और चीज है। ओके क्या बोलते हैं इसको? ये सर हीटेड लेबल बोलते हैं इसको हीटेड लेबल। अच्छा ये आपको लगभग हमारे सारे पीसों में मिलेगा। ठीक है इसकी प्लेसमेंट चेंज होती जाएगी। ओके कहीं पे क्या है कि वो किडनी साइड में यहाँ पर भी आ जाएगा कहीं पॉकेट पे भी आएगा कहीं पे बैक पे भी आएगा वो आपको हर जगह पे अलग अलग मिलेगा। ठीक है ये डिजिटल ब्रासो था ये डिजिटल ब्रासो है एक और है मेरे पास डिजिटल ब्रासो मेरे पास एक और है। ओके वो शायद नीचे है उसके शायद वो नीचे है मैं आपको बाद में बताऊंगा सर है मेरे पास डिजिटल ब्रासो एक और है सर लेजर में एक बहुत यूनिक चीज है सर
ये क्या फैब्रिक बताया आपने? सर ये 60-60 पोपलिन पे लेजर किया हुआ है। 60-60 पोपलिन पे लेजर किया हुआ है। हाँ। सर बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो वेंटिलेशन हमने दिया हुआ है। अच्छा, ये रहा फैब्रिक के अंदर वेंटिलेशन। ओके, पूरा लेजर से फैब्रिक को जला के उसके अंदर हमने छोटे छोटे होल्स दिए ताकि वेंटिलेट हो सके। गर्मी का माहौल है, गर्मी है ज्यादा। यस, ये इसके कलर चार्ट है मुनीर भाई। ओके, तो ये जो नेट वाला थोड़ा बोलते हैं थोड़ा अलग ला है ना नेट। सर, नेट क्या होता है? नेट होती है पॉलीबेस। ओके, ये है सर कॉटन बेस। ओके, नेट तो कैसा है कि मोस्टली लेडीज में ज्यादा यूज होती है। हाँ। और जेंट्स में मोस्टली सर कॉटन ज्यादा यूज। ये इसके दूसरी डिजाइन है। ओके, सेम फैब्रिक सब कुछ सेम, डिजाइन में खाली डिफरेंस है। ओके, ये लेजर कट चीज जो बोलते हैं, लेजर कट चीज है सर। आप इसको लेजर कट मत बोलिए सर, वेंटिलेशन बोलिए। वेंटिलेशन अच्छा लगता है। ओके, वेंटिलेशन वाली चीज यूज जरूर लीजिए, काफी अच्छा आर्टिकल है ये सर। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, वापस से रमजान के ऊपर आया था। ओके, ये है सर मेरे एक और प्लेन पॉली लाइक्रा पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट बताया था। हाँ। रिप वाला, लाइनिंग वाला। ओके, ये है। ओके, इसमें चीज मुनीर में एक और चीज नोटिस कीजिए, ये हमने काट के पूरा उरेप लगाया, उसके अंदर हमने फ्यूजिंग किया हुआ है। Okay. फ्यूजिंग करने का रीजन ये है सर। हाँ। कि लाइकरा जो पॉकेट होता है ना, वो लगते हाँ। टाइम ना मशीन से स्ट्रेच हो जाता है, और हम लोग उसको फ्यूजिंग करते हैं ताकि वो स्ट्रेच ना हो। पॉकेट की जो फील है वो नेचुरल लगे कि भाई ये कॉटन का ही पीस है। अच्छा, ओके। कॉटन और लाइकरा पे पॉकेट लगाने में डिफरेंशिएशन होता है, दोनों अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीके से लगते हैं। मशीन के साथ कॉटन और लाइकरा दोनों अलग अलग रिएक्ट करेगा, वो सेम रिएक्ट करे उसकी वजह से हमने फ्यूजिंग डाला हुआ अंदर। ओके, पॉकेट एक जैसे रिएक्ट करे उसके साथ। ये इसका कलर चार्ट है मुनीर भाई। ये सारी चीजें किसी को नहीं पता होती है सर। देखिए, पता हर किसी को होती है, लेकिन कॉस्टिंग के चक्कर में कोई यूज नहीं करता। नॉलेज सबको है, मैं ये नहीं बोलता किसी के पास नॉलेज, नॉलेज सबको है, बट कॉस्टिंग के चक्कर में लोग यूज नहीं करते। ओके, हमारे यहाँ कॉस्टिंग का कोई इशू नहीं है। ओके, चीज अच्छी बननी चाहिए। ओके, डिटेल्स मैटर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, डिटेल्स मैटर। ओके, आपका सबसे बड़ा मोटो एक ही है, डिटेल्स मैटर। आपके कस्टमर बेस भी वही रहेगा कि जो क्वालिटी में डील करता है, गेस क्वालिटी में जो डील करता है सारे, मोस्टली मेजर हमारे पास अच्छे शोरूम्स के क्लाइंट्स ज़्यादा है। हमारे पास अच्छे शोरूम्स के क्लाइंट्स ज़्यादा है, फिर उसके बाद में जो नया शॉप कर रहा है और जिसको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, जिसको इंटरेस्ट है कि मैं मेरे कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दूं ताकि वो कस्टमर मेरे पास वापस आए। ओके, हम उसी चीज़ में डील कर रहे हैं। ठीक है, ओके, काफ़ी अच्छा है। चार्ट है मुनीर भाई, क्या बता रहे हैं? नेक्स्ट प्रोडक्ट सर सेम ही है, जो अभी जस्ट मैंने आपको जो बताया वो सेम ही है, बस कलर चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है सर। ओके, फैब्रिक क्या बताया था? फैब्रिक वही है सर, पॉली लाइक्रा विद सेल्फ यान, सेल्फ लाइनिंग। ठीक है, दोनों के बटन अलग है, दोनों के बटन अलग है सर। ये मुनीर में बटन देखिए, मेटल का बटन है सर। ओके, ये मेटल का बटन है सर। इसके मेटल के बटन के चक्कर में कॉस्टिंग बढ़ जाती है, हर कोई लगाता नहीं है, मैं लगाता हूँ। ओके, रेट का फिकर नहीं है ना कस्टमर? सर रेट की फिकर नहीं है, कस्टमर भी वही आता है जिसको क्वालिटी पसंद है। बाकी देखो सर, काम अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, ये है सर मुनीर भाई, इसका पूरा दूसरा कलर चार्ट, सेम प्रोडक्ट सब कुछ सेम, खाली बटन्स का थोड़ा सा। ठीक है, वो जो पहला स्ट्राइप है ना जो हैंगर में लगा है वो बताओ ना। ये पीस भी मेरे पास है, मैं आपको डायरेक्ट पीस ही बताता हूँ सर। ओके, ठीक है, ये क्या फैब्रिक है वाला? सर ये है साटिन, 60-60 साटिन में लाइकरा सर। 60-60 साटिन है ये? 60-60 साटिन में लाइकरा, प्योर 60-60 साटिन है सर। 172x210 रीड पीक है सर। वो समझा नहीं मेरे को सर। सर आपको नहीं समझेगा, मैं आपको समझाता हूँ। रीड और पीक होती है, फैब्रिक बनता है रीड और पीक से। ओके, 172x210 रीड पीक है इसकी सर। ओके, उसकी वजह से क्या है, फैब्रिक थोड़ा सा फाइन होता है और फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, और फैब्रिक लास्टिंग जो होती है ना, एक फैब्रिक होता है सर दो बार धोने में खत्म हो जाता है, या आप 10 बार भी धो कुछ नहीं होगा। हैवी क्वालिटी है, हैवी क्वालिटी सर। ये है इसका पूरा, दो कलर का चार्ट है सर, दोनों व्हाइट बैकग्राउंड पे ही है। Okay. बट थोड़ा सा लाइनिंग का डिफरेंस है। ठीक है, और ये जो चेक्स था ये क्या है? ये है सर, ये तो भूल ही गया सर मैं। Okay. मैं भूल ही गया सर, ये है मॉकलिनो। Okay. मॉकलिनो पे प्रिंटेड चेक्स है सर। ठीक है, पॉकेट का कॉन्सेप्ट देखिए मुनीर भाई, एकदम एंटिक चीज है। Okay. ये देखिए दोनों के अलग अलग पॉकेट है। ओके, ये साइज एक बार बता सकते हो? ये कौन सी साइज है? ये सर एल है। ये एल है आपका? मैं आपको इसका पूरा कलर चार्ट भी बताता हूँ सर। ठीक है, एल तो ही है, कलर चार्ट भी बताता हूँ पूरा। ओके, और फिर मैं आपको वापस से साइजेस एक्सप्लेन। साइज के ऊपर वापस आते हैं, पहले इसका कलर चार्ट समझा दीजिए। इसका इसका कलर चार्ट मुनीर भाई। ओके, ये पूरा इसका कलर चार्ट है। वेरी नाइस। एक बार ये हैंगर निकाल के एक बार पीस सीधा करके बताओ ना। यही मैं बोल लेता हूँ, एम
अगर कंपेयर करने जाए तो वैसे एक्सेल के हिसाब से ये पीस है मेरे, yes, उससे बड़ा ही ये पीस आपको एक्सेल प्लस ही मिलेगा। एग्जैक्टली एल है लेकिन एक्सेल प्लस ही मैं आपको दूंगा। ठीक है, मैं बोल दूंगा आपको सर ये एक्सेल प्लस है। ओके, ऐसा कंपेयर करेंगे रेगुलर मार्केट से तो बड़ा साइज है आपका। यस सर, बड़ा साइज ही मिलेगा। सर एक और कॉर्ड्रो है। क्या है कॉर्ड्रो? ये भी एक और कॉर्ड्रो है सर। ठीक है, ये इंडियन कॉर्ड्रो है। ठीक है, इसमें सर ये भी काफी अच्छा पीस है। इसमें सर 6 कलर है मेरे पास। ठीक है, ये सारे इसके कलर्स है। ओके, वैरायटीज काफी सारी अपने पास अवेलेबल है। वैरायटीज सर मुनीर भाई अभी तक हमने 20% भी कवर नहीं की है सर। ओके, ये एक और चीज सर। ये क्या फैब्रिक है सर? ये फैब्रिक है 60s पोपलिन। 60s पोपलिन। अच्छा एक और चीज, 60s पोपलिन पूरे मार्केट में सर कोई नहीं देता है। अच्छा ओके, मैं आपको 60s पोपलिन। तो 60s किसको बोलते हैं जरा, मतलब मैं भी नया हूं, मेरे को व्यूअर्स को समझा दो। 60 कैसे होता है? जैसे आप कई बार सुनते हो सर ये 30 केवली ट्विल है, ये 40 केवली, 132 72 लाफर 132 72 लाफर में लोगों को ये नहीं पता 132 72 का मतलब क्या है। 132 72 होता है उसकी रीड और पीक। ओके, वो हर किसी को नहीं पता होती, जो फैब्रिक बनाता है उसी को पता होती है रीड और पीक क्या। जैसे सर मैं हूँ तो मैंने यान भी बनाया, ग्रे भी बनाया, फैब्रिक को डाई भी किया और अभी मैं गारमेंट में हूँ। ओके, इसमें लाफर में ऐसा भी कुछ होता है ना कि उसका बेस अलग अलग होता है सर? और होता है। मार्केट में लोग बेचते हैं 132 72 लाफर, बट वो मेजर सर 90% ऑफ द टाइम वो 132 72 लाफर होता ही नहीं है। बहुत सारी चीज होती है इसमें, बहुत सारी चीजें होती है सर। इसमें वापस आते हैं, गारमेंट बनाने वाले तो सर बहुत मिलेंगे लेकिन गारमेंट समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। क्या बात, हम गारमेंट समझने वाले। एक और चीज मैं आपको बताना हूँ मुनीर भाई, तो अच्छा प्रोडक्ट अपने व्यूअर्स को मिलेगा अच्छे रेट्स में। अच्छा प्रोडक्ट, और आपका मैंने रेंज पहले आपने बात कर रहे थे 350 से लेकर 550 के आसपास राउंड अबाउट का आपका प्रोडक्ट, और वो बहुत अफोर्डेबल रेंज है सर। देखिए 550 तक हम लोग पहुंच ही जाते हैं। हाँ, क्योंकि क्या है देखो सर मुनीर भाई, लोगों को चीज देनी है। एग्जैक्टली, कुछ भी पकड़ाना नहीं है कि भाई बना दिया दे दिया हो गया का। ये सर इसका एक और लिनन पे डिजिटल प्रिंट सर, लिनन पे डिजिटल प्रिंट, लिनन पे डिजिटल प्रिंट, और बहुत अच्छा पीस है ये वाला। ये हल्का सा मतलब लिनन है, थोड़ा सा नेचुरल स्ट्रेच अंदर रहता है ये। ओके, वेरी नाइस। ये क्या लग रहा है, थोड़ा कलरफुल ग्रीन कलर का ऊपर पीस, ये वाला? हाँ सर, क्या चीज, ये क्या फैब्रिक है ये सर? ये ट्विल लग रहा है। ठीक है, और पीस ओपन करते हैं, खोल के बताता हूं मैं इसको। ठीक है, ये जो प्रिंट है ना सर बहुत यूनिक प्रिंट है, मेरे खुद के पास ऐसा शर्ट है। अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे पे एक्सेल का पीस है, चेक कीजिए सर। एक्सेल का पीस, साइज की बात पे वापस आते हैं सर, एक्सेल का पीस है, चेक कीजिएगा खाली। ओके, ये इसका कलर चार्ट है सर। ठीक है, ये डिजिटल प्रिंट है पूरा। ओके, ट्विल लाइक्रा पे डिजिटल प्रिंट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सर साटिन पे डिजिटल प्रिंट्स। मुनीर भाई सारे पीस खोलू या नहीं खोलू, मेरे हिसाब से कस्टमर्स व्यूअर्स सारी क्वालिटी समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए कि आप किस हिसाब से हमारा। अब मैं आपको खाली डिजाइन बताता हूँ। एग्जैक्टली, ये सर साटिन पे डिजिटल प्रिंट है। ठीक है, अब डिटेलिंग से एक बार बता रहे हो कि किस हिसाब से? डिटेलिंग्स में आपको बता दे रहूंगा। ठीक है, ये क्या फैब्रिक है वाला? सर ये है अपने पोपलिन, फिर से 60-60 पोपलिन। ओके, और इसमें दो ही कलर्स है मेरे पास। और डिजाइनिंग देखिए सर इसकी। ओके, डिजाइन का चॉइस, कलर चॉइस वगैरह। ओके, ये इसका दूसरा कलर है मुनीर। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंट्स रखेंगे ताकि अपने व्यूअर्स को ज्यादा है। मैं आपको बेसिक सोबर प्रिंट्स बता रहा हूं मुनीर भाई, सारी की सारी। ठीक है, जो फैब्रिक के साथ क्वालिटी के साथ मैं आपको बताता हूं। ओके, जैसे ये है 40-40। ओके, ट्विल पे प्रिंट। ये है सर वापस से 60 साटिन पे प्रिंट। ओके, पैकिंग के साथ बता रहा हूं, पैकिंग यही वाली मिलेगी व्यूअर्स को। ठीक है, थोड़ा चेक्स का कलेक्शन कवर कीजिए ना वहां से। चेक्स का कलेक्शन मैं आपको कवर करता हूं, वापस से सर मोकलिनो पे आता हूं। ओके, ये मेरे पास एक और मोकलिनो है। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती होगी ना मोकलिनो में भी? ये सर मोकलिनो में भी क्वालिटीज अलग अलग है सर, तो फिर वापस वही कॉन्सेप्ट हो गया 60s 80s 40s। तो मोकलिनो में ऐसा कुछ है ना, जूट वॉफल वो कुछ? देखो मुनीर भाई, जूट वॉफल मोकलिनो सब प्रोडक्ट एक ही है, वो सब बेस एक ही होता है, लोग अपने एरिया के हिसाब से उसको वो नाम देते हैं। अच्छा, कुछ लोग जूट समझते हैं उसको, भाई ये तो जूट वाला फैब्रिक है, जूट दे दिया, बट एक्चुअल इसका जो बंदा फैब्रिक बनाता है ना उसके लिए ये है मोकलिनो। ओके, ये इसका कलर चार्ट है मुनीर, मस्त है ये वाले सब पीस, बहुत एक नंबर लग रहे हैं वाले। ठीक है, ये पूरा वो वी कॉलर है पूरा। अब मैं वापस आ जाता हूं आपके, वो वाला आपके हाथ में जो ब्लैक पीस है वो बताओ ना। ये हां ये बताओ ना, ये भी देखिए सर, ये मस्त लग रहा है ये वाला। ये है सर अपने वापस से। ठीक है,
ये वाला पीस खोलो ना, 60 में ये पीस खोल देता हूँ, चलो मस्त लग रहा है। फैब्रिक में नया, फैब्रिक में नया है ये। ये फैब्रिक क्या बोलते हैं इसको? ये सर 60s में ट्विल है, 60s में ट्विल है विद लाइक्रा, ठीक है, मस्त है, इसे मस्त पीस लग रहा है वाला। इसके अलावा काफी सारी और भी वैरायटीज है, ये कौन सी चेक्स है? ये सर ये अपने कॉर्ड इंपोर्टेड है, ओके, और उस पे डिजिटल चेक्स है, ठीक है। इसमें मुनीर भाई एक बार कैमरा नजदीक लाइए और चीज नोटिस कीजिए, बटन्स को देखिए, ओके, कुछ अलग दिख रहे हैं ना बटन्स, बटन सर यूनिक है इसके। हम लोग कैसे सर मुनीर भाई, हम लोग बटन्स का भी स्टॉक लेके चलते हैं, ओके, हमारे पास हर चीज आपको स्टॉक में मिलेगी, फैब्रिक का भी स्टॉक है, फैब्रिक का भी स्टॉक है, लेबल्स, टैग्स, बटन्स, रिबिट्स लगते हैं तो रिबिट्स, टच बटन्स वगैरह लगते हैं तो टच बटन्स, हर चीज का आपको स्टॉक मिलेगा, ठीक है, कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए पता नहीं, ठीक है। वैरायटीज काफी मेंटेन करके चले, वैरायटीज सारी मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। अभी ये जो पीछे आप एक जो स्ट्राइप्स वो दिखाया ना, ये वही है सर, तो कॉलर वो जूट उस पे लाइन, ठीक है, स्ट्राइप्स, ये कलर चार्ट है सर, ओके, वेरी नाइस, बहुत प्रोफेशनली ये सब चीजें काम में होती है। उसके बाद वाली ये ब्लू वाली स्ट्राइप दिखाई है, हम लोग और ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। ये एक और स्ट्राइप्स है सर मेरे पास, लिनन पे स्ट्राइप्स, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स है, अमेजिंग, दो ही कलर है इसमें सर। और इसमें एक और चीज है सर, ये देखिए मुनीर भाई, ओके, ये जो अंदर वाले पॉकेट का कॉन्सेप्ट है ना, सर ये खत्म हो चुका, हम इसको वापस लेके आ रहे हैं, nice। और ये एम्ब्रॉयडरी देखिए, बहुत ब्यूटीफुल पीस लग रहा है सर। अगेन ये जो ब्लैक वाला प्रिंटेड है ना, उसके उसके बाजू में, उसके बाजू में वाइट बेस पे, ये उसके दो छोड़ के, ये सर वापस लिनन पे डिजिटल प्रिंट, ठीक है। ये इसका कलर चार्ट, ओके, ऑल स्टॉक रेडी, जो भी प्रोडक्ट्स है सारे के सारे रेडी है, ओके। अगर आपको पूरी में लिनन का कॉन्सेप्ट बता रहा, हमारे यहाँ लिनन भी बहुत ज्यादा हम लोग ने बनाया हुआ है, ओके, ये भी लिनन बेस पे, ठीक है। फिर ये नीचे जो राइट कॉर्नर पे वो क्या आर्टिकल्स है? ये यस, ये सर सैटिन लग रहा, ओके, इसकी तो डिजाइन मेरे पास पड़ी, ये रहा, बहुत सारी डिजाइन अवेलेबल है ना इसमें, इसके दूसरी डिजाइन है, यही फैब्रिक में दूसरी डिजाइन है सर। पूरी में ये पीस खोल के बताता हूँ, इसकी डिजाइनिंग बहुत प्यारी है, ठीक है। क्या फैब्रिक बताया आपने? साटिन है ना, साटिन लाइक्रा है सर, ठीक है, नॉर्मल लाइक्रा सर, ज्यादा नहीं, पॉकेट का कॉन्सेप्ट देखिए मुनीर भाई, ओके, वो वाला एक स्ट्राइप दिखाया ना येलो एंड ब्लू वाला, येलो ये दो, यस यस यस, ये क्या फैब्रिक है सर? ये वापस से सर लिनन पे लाइक्रा, लिनन पे स्ट्राइप्स है, ओके, बहुत अच्छा पीस है ये, ये है अपने जो बीच में बहुत ज्यादा चल रहा था क्या टेस्ट का माल रहता है, क्या क्वालिटीज मेंटेन करते हैं, किस हिसाब से काम करते हैं। अभी आपके हिसाब से कुछ स्पेशल प्रोडक्ट रह जाता हो तो अपने व्यूअर्स को बता दीजिए आप। सर स्पेशल प्रोडक्ट मेरे पास एक है, मैं आपको बता देता हूँ, जो के मेरे हिसाब से शादियों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, ओके, एक नहीं है सर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ये, ओके, बट इनकी प्रिंट्स जो है ना वो सर शादियों के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक वेडिंग सीजन भी है, ईद भी है, ये है सर शादियों में पहनने के लिए, फॉर्मल ऑफिस में भी पहन सकते हैं आप इनको, ओके। फैब्रिक क्या रहता है? ये सर ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड की डिमांड काफी रहती है सर, ऑक्सफोर्ड की एनी टाइम डिमांड रहेगी, बिकॉज ऑक्सफोर्ड का ऐसा है सर, ऑक्सफोर्ड के अंदर आप पॉलिएस्टर मिक्स नहीं कर सकते, ऑक्सफोर्ड आपको बनाना पड़ेगा कॉटन से ही, ओके, और कॉटन सर ब्रीदेबल है, गर्मियों में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कॉटन है, गर्मी में सबसे ज्यादा चलता है, गर्मियों में सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है कॉटन, ओके, मतलब मैं उसको ऑक्सफोर्ड या कुछ और नहीं बोलूंगा, मैं उसको कॉटन बोलूंगा, बिकॉज सर मोस्टली हम लोग कॉटन में ही काम करते हैं, ओके, कॉटन बेस है हमारा, कॉटन का ही काम। अब मैं जो आपको पूरी रेंज बता रहा हूँ मुझे, ये सारे के सारे कॉटन बेस है, ठीक है, पीस खोलूंगा नहीं, खाली डिजाइन आपको बताऊंगा, ठीक है, एक आइडिया दे दिया, एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि सर मेरे पास इस टाइप की डिजाइन आपको मिलेगी, इस टाइप का कलर चार्ट वगैरह मिलेगा, ओके, और ज्यादा डिटेल्स के लिए व्यूअर्स एक बार विजिट करें प्लीज, ठीक है। बाकी अपना जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहता है वो 72 पीस, साइजेस अपने पास SML XL रहता है, कलर कंपलसरी है, कलर कंपलसरी, साइजेस समझो चार में, साइजेस सर मैं एक आध साइज छोड़ सकता हूँ आपके लिए, ओके, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है, ओके, और अगर कोई बड़ा कस्टमर है जिसको मेक टू ऑर्डर करवाना है, यानी FOB करवाना है, हाँ। सर हम लोग उसके लिए एग्री, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आपके साथ, ठीक है। अब इसमें कोई डैमेज डिफेक्ट आए तो पीस टू पीस, डैमेज डिफेक्ट आएगा पीस टू पीस रिप्लेस करके दे दिया, ओके। बाकी जो पहली बार आपको देख रहे हैं, पहली बार आपसे जुड़ना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आपसे देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? सर उनके लिए एक ही चीज है, बढ़िया प्रोडक्ट, बढ़िया फैब्रिक, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया मेकिंग, बढ़िया पैकिंग, सब यहाँ मिलेगा, ओके। बाकी सर कैसा है कि आप आइए, विजिट कीजिए, सैंपल देखिए, आप
एक बार सैंपल सेट यानी 72 पीसेस का एक पार्सल लीजिए, चालू कीजिए काम, ओके आगे काम करने में मजा आएगा। ओके, बाकी मेरे व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि जेन्युइन प्लेस है, आप बिंदास एडवांस पेमेंट पर आप काम करिए, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्ट में मेरे को काफी नॉलेज मिला, हमेशा ऐसा होता है कि सिर्फ मुनीर भाई तो आप पहली बार मेरे आए हैं, यस आप नेक्स्ट टाइम आइए मैं आपको और ज्यादा ज्ञान। ओके, तो समझ में भी आता है कि कितना रहेंगे व्यूअर्स को भी पूरा ज्ञान मिलेगा। आप पीस लो, मेरे से माल लो ना लो, ज्ञान लेके जाओ। ओके, बाकी मैं तो आपको ज्ञान दूंगा, रिलेशन बनेगा, करोड़ के काम भी हो जाएगा सर। ओके, बाकी तो सर इतनी जबरदस्त वैरायटीज कवर करने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम मुनीर भाई, ऐसी वैरायटीज लाते रहे सर। थैंक यू।